हेल्थ प्रेस प्रोग्राम च थोड़ा सब दा स्वागत है। आज असि थानू लेके चल रहे हैं सिद्धू हॉस्पिटल दोराहा। सिद्धू हस्पताल दोराहा मरीजां लई एक वरदान है। साडी टीम ने डॉक्टर गुरसरन सिद्धू जी नाल गलबात कीती। समय समय ते डॉक्टर गुरसरन सिद्धू साडे दर्शकां नू हेल्थ टिप्स देंदे रहिंदे ने, ते अज बेहद खास हेल्थ टिप कह लिए या सेल्फ मैनेजमेंट दे नाल हाइपरटेंशन नू मैनेज करन दे लई उन्होंने एक बुक लिखी है, उस दे बारे उन्होंने साडी टीम नाल गलबात कीती। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर गुरसरन सिद्धू जी दे नाल। दर्शको पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां डॉक्टर गुरशरण कौर सिद्धू जी के नाल गलबात कर रहे हैं, जेडे कि आप देखा गया देखो कि हाइपर टेंशन के उत्ते इन्होंने सैल्फ मैनेजमेंट की एक बुक जी है वो लिखी। आप भी किमें तुम जे ब्लड प्रैशर के मरीज़ ने, हाइपर टेंशन के मरीज़ ने, किमें अपने आप में तुम खुद जोड़ा है मैनेज कर सकते हो। डॉक्टर स्वागत है तुहाडा साडे स्पेशल शो। थैंक यू जी। डॉक्टर हाइपर टेंशन जोड़ा कि एक बहुत व्डा एक एपीडेमिक की तरह ही बनया हुआ अज, क्योंकि हर बंदा जोड़ा है तीसरा चौथा बंदा जोड़ा है वो हाइपर टेंशन का शिकार है, और तुम ये स्पैशलिस्ट हो, की कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये हाइपर टेंशन और डायबिटीज़ इनू असी साइलेंट किलर कहने, और इनू अगर असी मैनेज कर लिए तो असी एक पब जी साड़ी एक पब्लिक है टोटल, यूनो जिन्होंने असी नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज़ कहने, असी बहुत सारिया बीमारियों तो उन्होंने बचा सकांगे अगर ब्लड प्रेशर और शुगर नू असी कंट्रोल कर लिए। इन्हों असी लाइफ स्टाइल तो नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज़ कहने। कम्यूनिकेबल डिजीज़ होंगे जिस तरह कोविड, डेंगी जिहड़ी एक तो दूसरे नू किसे होर वजह नाल हुंदी है, और ये जिहड़ियां नॉन कम्यूनिकेबल बीमारियां ने, ये मतलब है कि अपने खान पान, रहन सहन या साडे जीन्स। कई बार बंदा बहुत दुबला पतला हुंदा और सारा कुछ ठीक हुंदा, वह जिन्ना रख सकता, पर फिर भी उन्होंने ब्लड प्रेशर या शुगर हो जाता, वह क्योंकि उन्हां दी जिहड़ा जेनेटिक पूल या आपां कह लईए कि इनहेरिटेंस उहदी वजह नाल हुंदा। तो जिन्हां नूं असीं कंट्रोल कर सकते हैं वो असीं कहने कि वो पेशेंट नूं गाइडेंस करनी, पेशेंट नूं मेडिकेशन करनी, पेशेंट नूं रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस करनियाँ, और ताकि उहदे हिसाब दे नाल पेशेंट अपनी बीमारी नूं खुद उहनूं जागरूक किया जाए, ताकि वह खुद अपनी बीमारी का कंट्रोल करन दे विच सक्षम हो सके। तुसीं की कहना चाहोगे कि एक मील पत्थर है ये दोनों चीज़ा जो नाम लिता, शुगर आ जी अखा जानियाँ, किडनिया का प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम आनी, और ब्लड ब्लड जिदे हार्ट की प्रॉब्लम आनी, जिदे स्ट्रोक्स आने, ब्रेन दे प्रॉब्लम्स आनियाँ, की कहना चाहोगे कि अगर इन दोनों चीज़ों के उत्ते निजात पा लिया जिदा तुम कहते हो तो तकरीबन बाकी आ डेंगू तो होर जड़ियाँ वायरल आ रहे हैं उन्होंने तो एपीडेमिक जो अलग तो है, लेकिन अगर इन दोनों तो पाया लिया जाए तो एक नॉर्मल बंदा जोड़ा है वो बहुत वधिया लाइफ लीड कर सकता। एब्सोल्यूटली, मैं एक वैसे पब्लिक अवेयरनेस वास्ते बुक पब्लिश की है छोटी जी, और ये बेसिकली असी ये ही कि ये साइलेंट किलर है लोगों को। कई बार क्योंकि कोई ब्लड प्रेशर के सिमटम्स ही नहीं होंगे, वो कहते मैनू तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, और जो पेशेंट आता 220-240 के ब्लड प्रेशर नाल सानू डॉक्टर नू स्ट्रेस हो जाता, क्योंकि सानू उस वेले खतरा नज़र आ रहा कि या तो इनू स्ट्रोक हो सकता, दिमाग च नाड़ी फट सकती है, या इनू उस वेले पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेलियर हो सकता पेशेंट नू, और पेशेंट सोचता कि मैनू तो कुछ है ही नहीं, मैनू डॉक्टर क्यों कह रहे ने कि थोड़ा ब्लड प्रेशर इन्ना ज़्यादा है, तुसीं औखे हो जाओगे, इनू कंट्रोल करना जरूरी है। सो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि जे पेशेंट नू सिमटम्स ही आ जाण, जिवें कुछ तकलीफ अगर हुंदी है ढिड दुखदा तो पेशेंट दौड़ के जांदा, उन्हों पता लगता है अपेंडिक्स है तो फटाफट सर्जरी है, पर इनू असी साइलेंट किलर कहने हैं कि ये ऐसा दुश्मन है जिदा पता ही नहीं लगता सानू, और जिदे तो पता लग जाए तुसी ओदे नाल तां फटाफट ओदा उपचार कर सकते हो, पर जिदा पता ही उदों लगे कि जदों नुकसान हो जाए फिर इट इज़ टू लेट। तो ये वास्ते ब्लड प्रैशर वास्ते भी और शुगर वास्ते भी मैं हमेशा पेशेंट्स नू एडवाइज़ करती हाँ कि तुसी घरे भी मोनीटर करो अपना ब्लड प्रेशर, शुगर भी घरे भी मोनीटर करो, जो डॉक्टर को आने अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी नाल लेके आओ शुगर वाले ब्लड प्रेशर, और ताकि उदों तुसी उदी स्टैंडर्डाइजेशन भी कर सको कि घरे साडा बीपी इंस्ट्रूमेंट ठीक हैगा या नहीं ठीक हैगा या उदा किन्ना वध घट दसदा है, तो ताकि तुसी उनू कंटीन्यूअसली नोट कर सको और उन्हों आपा मेडिसिन दी डोज नू आपा टाइट्रेट कर सकिए। और हर मेडिसिन हर पेशेंट लई नहीं हुंदी, ये बहुत जरूरी चीज़ सीखनी हुंदी है, नहीं तो पेशेंट दे अटेंडेंट कहिंदे जी आ ब्लड प्रेशर दी गोली लगी सी आई मैं इनू देती, तो मैं बहुत जरूरी गल कहनी है कि सैल्फ मेडिकेशन तो हमेशा बचो,
अपने आप ही जो दवाई लेना ना वो बहुत गलत गल है, वो बहुत गलतियाँ हो जाती ने। और क्योंकि ये जड़िया दवाइया ने आप जिमें टेलर मेड कहने असी इंडिविजुअलाइजेशन कहने हर पेशेंट दे वही डिफरेंट दवाई की चॉइस होंगी है वो दी बेसिक बनतर वास्ते वो बॉडी वेट वास्ते वो दी बीमारी की वजह वास्ते। सो सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल अवॉइड करो। या पेशेंट कहते जी एक गोली लगा दो, इस तरह नहीं होंगे। आप जिस तरह एक ही रोटी आप रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, तो हमेशा चेक करा के कम से कम ब्लड प्रेशर और शुगर वाले पेशेंट नू अगर सब कुछ कंट्रोल भी चल रहा है तो भी महीने च एक बार आके अपने डॉक्टर को चेक कराना कि सारा कुछ ठीक है, ओके सब कुछ ठीक चल रहा, आ मेरी मेडिसिन चल रही है, आ मेरा टेस्ट है, वो सब कुछ कराना, उन्हों आपा मोनिटर्ड रखना वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर सर्दी का सीजन आ रहा, त्यौहारों का सीजन आ रहा, खाना पीना जोड़ा है साडा वो हैवी हो जूगा, विआह आ जाएंगे, और सैर की आप गल कर लिए तो सर्दी सुबह उठन जी नहीं करना। की कहना चाहोगे कि यही कारण बनते हैं अगे जाके हार्ट अटैक के, यही कारण बनते हैं स्ट्रोक्स के, और सानू इन्हों दिनों इन्ना सर्दियों के और त्यौहारी सीजनों के विआह वाले सीजन सानू अपने मूँह के उत्ते भी थोड़ा जहा कंट्रोल करना पेगा, सानू अपनी एक्सरसाइज वाल भी ध्यान देना पेगा। अगर असी खा भी लें कद चलो ब्याह शादी आ गया, कदम मिठा खाधा भी गया शुगर वाले पेशेंट तो उन्होंने घट्टो घट्ट जी है उदू बाद सैर करके और हजम करके घट्टो घट सौना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तुसी आप ही बड़ा अच्छा जवाब दिता। देखो ये तो नॉर्मल चीज़ा, असी खुशी भी मनानी है, त्यौहारों की भी खुशी मनानी है, ब्याहों की भी मनानी है, पर साइमल्टेनियसली अपना भी ख्याल रखना, उन्हों आप हमेशा घट कर सकते हैं। तो जे सानू लग रहा आप अपनी मोनिटरिंग क्लोज कर सकते हैं कि भाई अगर कित गलती हो रही है तो आप दवाई नू वधा घटा के तो जिस तरह भी हो कि आप बहुत ज़्यादा बिगड़न ना देिए, आप रेगूलरली उस तरह ही कंट्रोल कर लिए। और डाइट का और एक्सरसाइज का बहुत वड्डा रोल है, डाइट का खास करके, डाइट का बहुत वड्डी चीज़ है ब्लड प्रेशर और शुगर दे विच, और जिन्ना कोई डाइट नू कंट्रोल कर लेंदा उन्ना ही उहदी बीमारी बैटर कंट्रोल हो जाती है। हाँ मैं दूसरी एक बहुत वड्डी चीज़ रखना चाहनी है सामने, बहुत सारे लोगों को यह हैगा कि लूण खावांगे तो साडा ब्लड प्रेशर वध जाऊगा। तो हुण तक की हो रहा सी, शायद हुण विंटर्स च थोड़ा फर्क हो जाऊगा कि पेशेंट का सॉल्ट घटन लग जाता है, जिन्हों हाइपोनेट्रीमिया की एक होर ही सिमटम्स बन जाते हैं वो, और उदे नाल ही पेशेंट हौली हौली ढिला ढिला होकर वही पता नहीं लगता और बहुत ज़्यादा कमजोरी बढ़ जाती है। पेशेंट सोचता मैनू कमजोरी होगी, पर एक्चुअली सो सॉल्ट की जिहड़ा ना हर चीज़ रेगुलेटेड चाहिए है। जिवें कोई भी बंदा है सर गर्मियों के ज़्यादा सियाल दे विच थोड़ा घट नमक, बट जरूरी नमक घट जरूर, असी एक लैवल टीस्पून कहने जिमें आप एक चम्मच नमक का होवल कर लिए। सो इन्ना सॉल्ट 24 घंटे के अंदर सारिया खुराकों के आप सवेरे भी खाई, रोटी दोपहरे भी खाई, रात को भी खाई, यानी टोटल एक बंदे दे हिस्से उन्ना सॉल्ट आंदा। सो एकदम ही हर चीज़ बिना सॉल्ट तो करनी भी ठीक नहीं हैगी। सो उन्हों सर्दियों के होर घटावे क्योंकि ब्लड प्रैशर वधन के चांस ज़्यादा होंगे ने। सो पर वो बिल्कुल ही कि जी मैं बिल्कुल ही मिठा छड़ना, टोटली मिठा छड़ना वो ठीक है शुगर वास्ते, बिल्कुल ही चीनी और गुड़ और शक्कर वो बिल्कुल नहीं खानी, बट सॉल्ट जड़ा है वो जरूरी लेना है क्योंकि सॉल्ट बड़ा जरूरी है अपनी हर नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी वास्ते, अपनी जागरूकता रहने वास्ते, अपने आप नूं ज्यौंदा रखने वास्ते सॉल्ट बहुत ही जरूरी है, पर उहदी हर चीज़ की मात्रा दे विच। जिदा आप शुगर का 3 महीने का टैसट करा लें, ब्लड का डॉक्टर साहब की होना चाहिए, जिदा ब्लड प्रैशर तुसीं गल कर रहे हो भी सैलेंट किलर आ, तो साढ़े देखने वाले दर्शक जो डर भी रहे होंगे भी यार भी सैलेंट किलर का मतलब तो यह हो गया भी कदों मर्जी ब्लड प्रैशर बढ़ सकता है। डॉक्टर की है पहला थोड़ा बहुत जो ब्लड प्रैशर जिन्हें लोगों का जो 200 या 240 होंगे पहला कोई अलार्म दिता है? हाँ जी, चाहे अलार्म ना दे पर पेशेंट नूं पता हुंदा, उन्हां नूं वो जानबूझ के दवाई नहीं खा रहे हुंदे, उन्हां नूं पता हुंदा जी मेरा बीपी कदे कदे वधदा, सिर्फ वो चैक नहीं कराउंदे, उन्हां नूं लगदा है कि चैक कराया तो पता नहीं की हो जूगा, मेरा किन्ना वध जूगा, नहीं चैक भी कराना चाहिए और उहदी रेगूलर मेडिकेशन खानी चाहिए। और बड़ा सौखा है, बीपी तो चैक ही करके पता चल जाता है कि बीपी किन्ना है। हाँ मार्कर्स भी हुंदे ने, जिस तरह आपां कोलेस्ट्रॉल चैक कराने और लोगों को हैगा कि हरेक बंदे नूं कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी चाहिए, नहीं नहीं कदे अपने आप कोई दवाई नहीं लेनी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी हर बंदे लिए जरूरी नहीं हैगी, वो भी डॉक्टर ही तय करेगा
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਸ ਲਗਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮ ਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਿਆਪਨ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਟੂ ਲੋਟਸ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੁਪਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।